पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, इवन कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, काफी क्वेश्चंस इससे बनते हैं। तो पहले तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता क्या है ये अपन देखेंगे कैसे बनता है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में दो प्लेट्स होती हैं जो कि एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, ये मेटलिक प्लेट्स होती हैं दो, ये प्लेट ए और ये प्लेट बी। जैसे कि कैपेसिटर में आप जानते हैं कि दो प्लेट्स होती हैं, अब इसका नाम ही है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, मतलब दोनों प्लेट्स कैसी होंगी एक दूसरे के पैरेलल। तो ए और बी ये दो मेटलिक प्लेट्स हैं जो एक दूसरे के पैरेलल रखी हैं, एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे। दोनों प्लेट्स के बीच के डिस्टेंस को हमने डिनोट किया है डी से, डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स। प्लेट इज आइसोलेटेड, प्लेट ए कैसी है आइसोलेटेड है, और प्लेट बी का कनेक्शन कर देते हैं किससे अर्थ से। देखिए क्या आपने समय बताया था सेकंड प्लेट का कनेक्शन किससे कर दिया जाता है अर्थ से। प्लेट ए को सपोज अपन ने प्लस क्यू चार्ज दिया, ये प्लस क्यू चार्ज इसके पूरे सरफेस पे स्प्रेड हो गया, जिसके कारण इसकी जो चार्ज डेंसिटी है वो हो गई सिग्मा। चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल टू होता है क्यू अपॉन ए, ठीक है ना, ये अपन पढ़ चुके हैं। चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल टू क्या होता है क्यू अपॉन ए। प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है तो चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा, प्लेट पर नेगेटिव चार्ज है चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा। तो प्लेट ए को अपन ने दिया प्लस क्यू चार्ज, इंडक्शन के कारण प्लेट बी के इनर सरफेस पे इंड्यूस हो जाएगा माइनस क्यू चार्ज, और आउटर सरफेस पे हालांकि प्लस क्यू चार्ज इंड्यूस होगा लेकिन कनेक्शन अर्थ से है तो वो चला जाएगा किसमें अर्थ में। तो इस तरह से प्लेट ए हो गई हाई पोटेंशियल प्लेट और प्लेट बी हो गई लो पोटेंशियल प्लेट। दोनों प्लेट्स के बीच क्या डेवलप हो गया पोटेंशियल डिफरेंस और एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गई। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट। तो अपन यहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शो करेंगे, ये एरो बना देंगे जो डायरेक्शन शो कर रही है कैसी फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट। ये बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने बताया था यूनिफॉर्म होती है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन्स ऑफ फोर्स कैसी होती है पैरेलल स्ट्रेट लाइन्स, ये पैरेलल स्ट्रेट लाइन्स अपन बना रहे हैं। याद रखना जैसे तो ये लाइन एकदम पैरेलल रहेंगी बीच में, लेकिन किनारों पर ये लाइन्स ऑफ फोर्स थोड़ी सी कर्व हो जाएंगी, और इसकी वजह ये है कि देखिए लाइन्स ऑफ फोर्स इससे बीच की लाइन्स ऑफ फोर्स जो है इसको ऊपर वाली नीचे की ओर रिपेल करेगी, नीचे वाली ऊपर की ओर, ठीक है ना, तो इसकी कैसे है स्ट्रेट। लेकिन एंड वाली के साथ क्या होगा ऊपर लाइन, इस वाली नीचे लाइन से तो क्या होगी रिपेल, लेकिन इसे ऊपर से नीचे की ओर रिपेल करने वाला कोई नहीं, इसकी थोड़ी सी कर्व हो गई, यही होगा नीचे, इसको ऊपर से नीचे की ओर रिपेल करने वाली तो ये लाइन है लेकिन नीचे से ऊपर की ओर रिपेल करने वाला कोई नहीं, इसलिए किनारों पर लाइन्स ऑफ फोर्स थोड़ी कैसी हो गई कर्व, लेकिन बीच में कैसी है बिल्कुल पैरेलल स्ट्रेट लाइन्स। ये डायग्राम हो गया किसका पैरेलल स्ट्रेट कैपेसिटर का। तो ऐसा ही पैरेलल प्लेट कैपेसिटर अपन ने कंसीडर किया है। यहां पर याद रखना कैपिटल ए इस एरिया ऑफ प्लेट से लेट करते हैं अपन लिख लेंगे लेट, लेट कैपिटल ए जो है वो यहां पर क्या है एरिया ऑफ प्लेट्स, दोनों प्लेट्स का जो एरिया है वो कैपिटल ए है। प्लेट ए पर चार्ज प्लस क्यू है, प्लेट बी पर चार्ज माइनस क्यू है, और कैपिटल क्यू को अपन कह सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, हालांकि एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव है लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज दोनों का सेम है और वो क्या है क्यू। क्या मतलब कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है डी, स्मॉल डी क्या है यहां पर इट इज डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, डी इज डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। इज दैट क्लियर। और दोनों प्लेट्स के बीच में अपन क्या कर देते हैं एक मीडियम रख देते हैं, या तो खाली छोड़ दे फ्री स्पेस एयर या वैक्यूम, और अपन चाहते हैं कैपेसिटी बढ़ाना, ठीक है, हर कोई चाहता है कि भाई एक्सरसाइज मिले थोड़ा सा, तो बढ़ाने के लिए अपन क्या कर सकते हैं दोनों प्लेट्स के बीच में कोई डायलेक्ट्रिक मीडियम कर सकते हैं जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है के। तो मान लिया के क्या है यहाँ पर व्हाट इज के इट इज डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इट इज डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट
of the medium between the plates. Of the medium between the plates. ठीक है सर, डायग्राम बना लिया. डायग्राम बना के अपन ने क्या क्या माना है वो लिख दिया. साफ साफ समझ आ रहा है पैरेलल प्लेट के अपर्चर में क्या क्या होता है. नाम ही इसका है पैरेलल प्लेट, मतलब दो प्लेट्स होंगी, दोनों मेटल की होंगी, मेटलिक प्लेट्स, और दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल रखी होंगी कुछ डिस्टेंस. ये दो पैरेलल प्लेट्स हो गई, इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, डी हो गया. तो डी इज डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, और दोनों प्लेट्स का एरिया इक्वल होगा. और एरिया ऑफ प्लेट्स अपन ने मान लिया क्या, कैपिटल है. तो इशारे याद रखना, ये अपन जब न्यूमेरिकल वगैरह करेंगे इसके फॉर्मूले में तो पता होना चाहिए. व्हाट इज ए, इज एरिया ऑफ प्लेट्स. व्हाट इज डी, डी इज डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स. और दोनों प्लेट्स के बीच में अपन ने क्या रख दिया, एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम. डाइलेक्ट्रिक मीडियम के जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो के. के इज व्हाट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम बिटवीन द प्लेट्स. प्लेट को चार्ज दिया प्लस क्यू. इंडक्शन के कारण प्लेट के इनर सरफेस पर चार्ज इंड्यूस हो गया माइनस क्यू. आउटर सरफेस पर हालांकि प्लस क्यू इंड्यूस होगा लेकिन वो चला जाएगा किसमें, आपके. दोनों प्लेट्स के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गई है कैपिटल ई. दोनों प्लेट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गया कैपिटल बी. क्लियर है कि नहीं. हमको निकालना है एक्सप्रेशन कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए. तो कैपेसिटी के लिए फार्मूला आप जानते हैं, सी इक्वल टू होता है क्यू अपॉन वी. व्हाट इज कैपेसिटी, सी इक्वल टू क्यू अपॉन वी. तो क्यू तो क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज. प्लेट ए पे प्लस क्यू है, प्लेट बी पे माइनस क्यू, लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज क्या है, क्यू. और चूंकि यहाँ पे जो भी चार्ज अपन प्लेट को देंगे वो पूरे सरफेस पे स्प्रेड हो जाएगा, तो चार्ज डेंसिटी कौन सी यूज करेंगे अपन, सरफेस चार्ज डेंसिटी. सरफेस चार्ज डेंसिटी का फार्मूला जानते हैं, सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन ए. और यहाँ पर एक प्लेट पर चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा, एक प्लेट पर चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा. ऐसा कभी भी हो कि दो प्लेट से एक दूसरे के पैरेलल रखी है, एक की चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा, एक की चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा, तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी सिर्फ बीच के रीजन में होगी. लेफ्ट के राइट में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी. बीच के रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या होगी, अगर एयर है, फ्री स्पेस है बीच में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. और अगर बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखा है, जैसे यहाँ डाइलेक्ट्रिक मीडियम भी है जिसका इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, यहाँ दोनों प्लेट्स के बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वल टू क्या होगी, सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट. ये बात अपन यहीं से स्टार्ट करेंगे. इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स सिग्मा हम जानते हैं क्यू अपॉन ए होता है. अगर सिग्मा की वैल्यू आप पुट कर दी जाए, बता देंगे बट सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन ए. देयरफॉर ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा के लिए क्यू अपॉन ए, तो क्यू आ जाएगा ऊपर, ए आ जाएगा नीचे. ई का जो फॉर्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा क्यू अपॉन के एप्सिलॉन नॉट ए. एंड गिवन इक्वेशन एंड आउट. तो ये क्या आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई बिटवीन द प्लेट्स. इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर की इक्वल टू ये फार्मूला हो गया क्यू अपॉन के एप्सिलॉन नॉट ए. हमें निकालना है कैपेसिटेंस. कैपेसिटेंस सी इक्वल टू होता क्या, क्यू अपॉन वी. फॉर दैट वी नीड वी, वी मींस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स. और हम जानते हैं अगर दोनों प्लेट्स के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई है और उनके बीच का डिस्टेंस डी है, तो पोटेंशियल डिफरेंस वी इक्वल टू क्या होता है, ई इंटू डी. अब अपन पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे. पोटेंशियल डिफरेंस शॉर्ट में पीडी लिख दिया मैंने. पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, तो कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसका फॉर्मूला जैसा कि आप जानते हैं, वी इक्वल टू क्या होता है, ई इंटू डी. आप ई की जगह ई की वैल्यू पुट कर सकते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ ई फ्रॉम इक्वेशन वन. और अपन कह सकते हैं वी इक्वल टू ई की वैल्यू क्या थी, क्यू अपॉन के एप्सिलॉन नॉट ए, और इनटू डी कर देंगे तो इनटू में डी आ जाएगा ऊपर. इसे दे देते हैं इक्वेशन टू. और पता नहीं कहां से आया भाई, ई की जगह ये फ्रॉम इक्वेशन वन. ठीक है ना, ई की जगह जो ई की वैल्यू रखी यहां पे क्यू अपॉन के एप्सिलॉन नॉट ए, ये वैल्यू कहां से आई, फ्रॉम इक्वेशन वन.
तो बताया आपका समझ में आ गया यहाँ। अब एक्सप्रेशन चाहिए किसके लिए, कैपेसिटी के लिए। अब कैपेसिटी निकालेंगे, इफ कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर इज सी, इफ कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर इज सी देन फॉर्मूला क्या होता है कैपेसिटी का, सी इक्वल टू क्यू अपॉन वी। ठीक है ना, पोटेंशियल डिफरेंस आ चुका है, कैपेसिटेंस निकालना है, कैपेसिटेंस सी इक्वल टू होता है क्यू अपॉन वी, और वी की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं इक्वेशन टू में, पुट द वैल्यू ऑफ वी फ्रॉम इक्वेशन टू। इक्वेशन टू से अब अपन क्या करेंगे, वी की वैल्यू पुट करेंगे यहां पर, सी इक्वल टू ये हो जाएगा क्यू अपॉन, और वी की जगह वी की वैल्यू व्हाट इज वी, तो वी आया था हमारा क्यू डी अपॉन के एप्सिलॉन नॉट ए। इज दैट क्लियर? नाउ क्यू से क्यू तो हो जाएगा कैंसिल, और जो एक्सप्रेशन हमारा आएगा सी इक्वल टू क्या आएगा, ये अपॉन के अपॉन में क्या चरण दे दो पॉइंट जाएंगे ऊपर, वी आ गया हमारा फाइनल एक्सप्रेशन कैपेसिटी सी इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन। दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, याद रखना, न्यूमेरिकल्स में यूज होगा फार्मूला, व्हेन एवर यू फाइंड कैपेसिटी ऑफ कलर प्लेट कैपेसिटर, ये फार्मूला होता है सी इक्वल टू क्या होता है के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ईच एंड एवरी टर्म क्लियर भी होनी चाहिए, व्हाट इज ए व्हाट इज डी, ए क्या होता है, ए आपको बता दिया व्हाट इज ए, ए इज एरिया ऑफ प्लेट्स, व्हाट इज डी, डी आपको बता दिया इट इज डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, एंड व्हाट इज के, के अपन जानते हैं क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम बिटवीन द प्लेट्स। एनी डाउट? यहां पे एक बात और बता दें आपको, इतना बता दूं मैं, फॉर एयर कैपेसिटर, फॉर एयर कैपेसिटर, एयर कैपेसिटर मींस दोनों प्लेट्स के बीच में एयर, ठीक है ना, फ्री स्पेस हो, अपन ने मीडियम बनाया था अभी, मीडियम आया तो डायरेक्टली कांस्टेंट किया गया के एप्सिलॉन ए अपॉन डी, अब फॉर एयर कैपेसिटर, तो एयर कैपेसिटर है तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा वन, याद रखना, फॉर के एयर के लिए के इक्वल टू क्या होता है वन, तो फॉर एयर कैपेसिटर के इक्वल टू वन हो जाएगा, के इक्वल टू वन है तो वन की जरूरत नहीं तुम्हें, घट जाएगा, जैसे मैं जो फॉर्मूला आएगा कैपेसिटी का सी नॉट कर देता हूँ एयर के लिए सी नॉट, क्या होगी कैपेसिटर की कैपेसिटी की हट जाएगा फॉर्मूले से एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, यहाँ क्या फॉर्मूला फॉर कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, सी नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, एप्सिलॉन नॉट भी आपको याद होगा, ये दो फॉर्मूले हो गए दोनों ही पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी के लिए हैं, कब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है याद रखना, अगर डायलेक्ट्रिक मीडियम दोनों प्लेट्स के बीच में, ये फॉर्मूला कब यूज होगा जब दोनों प्लेट्स के बीच में पूरी तरह से क्या हो रहा हो डायलेक्ट्रिक मीडियम, ये फॉर्मूला कब यूज होगा जब दोनों प्लेट्स के बीच में पूरी तरह से क्या है समझेंगे नहीं, एप्सिलॉन नॉट क्या है यहाँ पर, एप्सिलॉन नॉट के बारे में हम पहले से ही जानते हैं, दिस एब्सोल्यूट परमिटिविटी, क्या होती है ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी किसकी, फ्री स्पेस, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसकी वैल्यू भी आपको याद रखनी होगी, न्यूमेरिकल्स में जरूरत पड़ेगी तो दी दी जाएगी आपको, मान के चलेंगे याद है कि नहीं, इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूमेरिकल्स में वैल्यू जरूरत पड़ेगी, तो जब जरूरत पड़े तो एप्सिलॉन नॉट की जगह ये वैल्यू रख देंगे, ए और डी की वैल्यूज आपको गिवन होंगी, ए कई बार आपको डायरेक्ट दे देते हैं एरिया, कई बार एरिया ना देके आपको डायमीटर या रेडियस दे दिया, तो एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला फिर ये यूज करेंगे ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना, क्या यूज करेंगे फॉर्मूला ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, डायमीटर दिया है तो हाफ करके रेडियस निकाल लेंगे फिर पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला करके एरिया निकल जाएगा, और ये दोनों एक्सप्रेशन तो आ गए, अब इसके बाद एक क्वेश्चन में जोड़ सकते हैं कैपेसिटी और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए एक्सप्रेशन निकालने के साथ, आप बताइए कि किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है और कैसे, ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर डिपेंड एंड हाउ, तो बल्दी क्विकली बड़ा अच्छे देख लीजिए आप क्या होता है, कई बार लोग ये भी रखते हैं कि एक्सप्रेशन रट रट के जा रहे हैं, मतलब फैक्टर्स क्या क्या हैं, रटनी जरूरत नहीं है, फॉर्मूला देखिए फॉर्मूला से क्लियर हो रहा है,
जो जो क्वांटिटी फॉर्मूले में अपियर हो रही है उन सब पे डिपेंड करेगी, और जो न्यूमरेटर में आ रही है उन पे डायरेक्टली, और जो डिनोमिनेटर में आ रही है उन पे इनवर्सली। तो क्या पूछिए फॉर्मूले क्या दिख रहा है, ए दिख रहा है आपको। तो पहला फैक्टर क्या हो गया, अपन देखेंगे अगर फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर, तो पहला फैक्टर क्या होगा, ए मतलब एरिया ऑफ प्लेट्स, कैसे डिपेंड कर रहा है ए पे सी, न्यूमरेटर में दिख रहा है मतलब डायरेक्ट। तो अपन क्या देखेंगे कैपेसिटी ऑफ आ कैपेसिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ इट्स प्लेट्स। दूसरा आप देख रहे हैं कि C यहाँ पर D पे भी डिपेंड कर रहा है, फॉर्म D दिखाई दे रहा है, एंड D के बारे में जान चुके हैं क्या होता है, D डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। तो सेकंड फैक्टर जो होगा अपना वो क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, उस पे कैसे डिपेंड कर रहा है, तो फॉर्मूला लेगा D का डिनोमिनेटर में, तो अपन बताएंगे डिनोमिनेटर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन इट्स प्लेट्स। तीसरी चीज जो आपको दिखाई दे रही है फॉर्मूला क्या, K, K इज अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम बिटवीन द प्लेट्स, और वो कहां दिखाई दे रहा है, न्यूमेरेटर में, मतलब इस पे भी कैसे डिपेंड करेगी कैपेसिटी, डायरेक्टली। तो कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम बिटवीन द प्लेट्स। ये हो गए फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपेसिटी ऑफ अ प्लेट कैपेसिटर, उम्मीद है समझ में आया होगा सबको।